नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज पर। एक बार हम फिर से बात करने वाले हैं बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 के बारे में। फाइनली फिल्म के पहले दिन के पहले शो के रिव्यू सामने निकल कर आ चुके हैं, साथ ही फिल्म की रेटिंग भी पता चल चुकी। तो आइए शुरू करते हैं। अगर बात करें फिल्म की रेटिंग के बारे में तो फिल्म को उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छी रेटिंग मिली। जी हां दोस्तों, फिल्म को 5 में से 4 स्टार की रेटिंग दी गई है और ऑडियंस को यह फिल्म काफी ज्यादा पसंद आ रही है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में काफी हाई लेवल का एक्शन देखा जा रहा है। जी हां दोस्तों, ये फिल्म पठान और बड़ी बड़ी फिल्मों को एक्शन में पीछे छोड़ चुकी है क्योंकि फिल्म का बजट काफी ज्यादा है। जी हां दोस्तों, फिल्म का बजट लगभग 350 करोड़ और फिल्म में काफी हाई लेवल के एक्शन सीक्वेंस दिखाए गए हैं जो कि बॉलीवुड में अभी तक नहीं फिल्माए गए थे। ऑडियंस को इस फिल्म के एक्शन के साथ साथ इस फिल्म की स्टोरी भी काफी ज्यादा पसंद आ रही है। जी दोस्तों, फिल्म का रन टाइम काफी ज्यादा है लेकिन उसके बावजूद यह फिल्म कैसे खत्म हो जाती है ऑडियंस को पता ही नहीं चलता। साथ ही फिल्म का म्यूजिक भी काफी दमदार है। और ऑल कहा जाए तो यह फिल्म साल 2023 की एक धमाकेदार एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कि ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आई। और सुपरस्टार सलमान खान के फैंस के लिए यह फिल्म दिवाली का सबसे बड़ा तोहफा है, जिसकी वजह से यह फिल्म अपने पहले दिन आज काफी अच्छी कमाई करने वाली है। इंडिया के बड़े बड़े क्रिटिक्स ने फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और यह फिल्म उनको भी काफी ज्यादा पसंद आई। तो अगर आपने ये फिल्म देख ली तो आप सभी को ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।